नमस्कार, स्वागत है आपका खबर गांव शहर बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी गांव के पास बादल फटा और जलाशय में जलस्तर बढ़ा। इसकी वजह से जोशीमठ क्षेत्र के लोगों को भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा। घटना रैनी गांव के पास हुई। थौली गंगा नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी हुई और किनारे के कई घर नष्ट हो गए। ग्लेशियर टूटने के बाद ऋषिगंगा पनबिजली परियोजना में काम करने वाले कई मजदूरों के लापता होने की आशंका। परियोजना का एक बांध टूटा और बह जाने की आशंका। घटना में अब तक कुल 15 शव मिल चुके हैं, जबकि 100 से अधिक लोग गायब बताया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन से लेकर सेना अब तक रेस्क्यू में जुटी। बजट सत्र के सातवें दिन की कार्रवाई शुरू। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव के बाद चर्चा करेंगे पीएम मोदी। कर्नाटक के बागलकोट जिले में भीषण आग लगने की खबर। इस हादसे में करोड़ों रुपए के नुकसान होने की आशंका जताई गई। आग एक व्यवसाय प्रतिष्ठान में लगी। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार में मोतिहारी जिले के कुंडवा चैनपुर में एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ गैंगरेप कर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने साक्ष्य मिटाने के लिए मृतका के शव को जलाया। राजस्थान में रविवार को 20 जिलों में हुए 90 निकाय चुनाव के नतीजे सामने आए। परिणाम आने के बाद कांग्रेस और भाजपा ने नेताओं ने ट्वीट कर जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। कुल 90 निकायों में से 50 निकायों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, वहीं भाजपा 37 पर वोट बना सकी 5 अन्य निर्दलियों की झोली में। राजस्थान में कक्षा 6 से 8 तक के 40 लाख बच्चे सोमवार से स्कूल जाएंगे। स्कूल में आधे बच्चों को एंट्री दी जाएगी, बाकी आधे बच्चे मंगलवार को आएंगे। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार स्कूल बच्चों के स्वागत की तैयारियों में जुटा। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए अभी स्कूल बंद, उनकी पढ़ाई ऑनलाइन जारी। राजस्थान में रविवार को कोरोना के 75 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3,18,153 हुआ। बीते 24 घंटों में कोरोना का एक भी मरीज की मौत दर्ज नहीं की गई। प्रदेश के 20 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया। वहीं कोरोना से प्रदेश में मौत का आंकड़ा 2,772 हो चुका है। कोरोना वैक्सीनेशन का काम अभी जारी है। सरदारशहर में नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में कांग्रेस के राजकरण चौधरी को 33 और भाजपा के राकेश टांग को 22 मत मिले। राजकरण चौधरी बने अध्यक्ष। निकाय चुनाव में कांग्रेस के 29 पार्षद, भाजपा के 23 पार्षद और 3 निर्दलीय जीते। भाजपा के 1 पार्षद ने की क्रॉस वोटिंग। कोलार क्षेत्र की ग्राम पंचायत बांगड़सर की RD 860 में 26 जनवरी से क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज शुरू। फाइनल रूप में जुगत सिंह पूरा बांगड़सर टीम हुई विजयी।
मोदरान में राष्ट्रीय हिंदू एकता संगठन की बैठक रविवार को की गई, जिसमें कार्यकारिणी का हुआ विस्तार। इस बैठक में किशोरी गुप्ता को महिला प्रदेश प्रभारी और सुमन गुप्ता को महिला प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति दी गई। पदाधिकारियों ने दी बधाई। आज से 50% कैपेसिटी के साथ दर्शकों के लिए खोला जाएगा सिनेमा घर। शुरुआती नई मूवी नहीं होने से और कड़े नियमों के चलते 3 से 4 शो होंगे। प्रदेश के 90 शहरी निकाय में आज होने वाले उपाध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस बिना सिंबल चुनाव मैदान में उतारेगी। कांग्रेस ने अभी तक किसी को नहीं दिया है सिंबल। भारत और अमरीकी सेनाओं का आज होगा युद्धाभ्यास। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में होगा यह अभ्यास। दोनों सेनाओं के 500 से ज्यादा सैनिक उतरेंगे मैदान में। 21 फरवरी तक चलेगा युद्धाभ्यास। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, सरकार को कृषि कानून को तत्काल लेना होगा वापस। किसानों के आंदोलन को आज 75 दिन हुए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, सरकार अक्टूबर तक वापस ले ले ये कानून। दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा प्लांट में आग लगने से लाखों रुपए के सौर ऊर्जा संयंत्र भी जले। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे तिरुपति। एमके सत्संग फाउंडेशन आश्रम में योग प्रशिक्षकों और शिक्षकों से की बात। मध्य प्रदेश में रीवा के बाणसर परियोजना घोटाले में विशेष न्यायालय ने 40 लोगों पर तय किया आरोप। विभाग का घोटाला अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना गया। घोटाले की शिकायत के बाद प्रारंभिक जांच में 214 करोड़ रुपए की स्टेशनरी सामग्री खरीद का फर्जीवाड़ा सामने आया था। अब तक फर्जीवाड़े की राशि बढ़कर हुई 1250 करोड़ से ज्यादा। फिलहाल खबर गांव शहर बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।